कैसे हो आप लोग? वैसे एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और प्लान किया था कि हम लोग बाहर कहीं घूमने जाएंगे या फिर बाहर डिनर करेंगे, लेकिन बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मुश्किल लग रहा है मेरे को। बट फिर भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने भावना को अभी तक नहीं बताया कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, और भावना का सुबह से मूड ऑफ है क्योंकि बारिश भी हो रही है। और मैंने भावना को बिल्कुल भी नहीं बताया है कि हम लोग कुछ जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने वाले हैं, ना ही किसी को इन्वाइट भी नहीं किया है। क्या था कि हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर डिनर करेंगे और थोड़ा इन्जॉय करेंगे, बट सब ऐसे ही हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश में कैसे जाएंगे हम लोग? मैंने बोल दिया कि भावना रेडी हो जाओ, भावना को ड्रेस भी बता दिया कि मैंने ये पहन लो आप। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि भावना आप रेडी हुई है या नहीं। बट से मैं भी रेडी हो जाता हूँ क्योंकि भावना रेडी होना स्टार्ट कर दिया है भावना ने, और भावना फिर उसके बाद खुद रेडी होने के बाद अनाया को रेडी करेगी। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये ब्लॉग पहले स्टार्ट हो चुका है, सुनील ने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया होगा। सुनील ने मुझे जस्ट अभी बताया कि मुझे रेडी होना है बिकॉज अभी हम बाहर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया तो मैंने लगा लिया था, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई फील भी नहीं होने दिया कि बाहर का ऐसा कोई प्लान है। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, टुडे इज माई बर्थडे का जो ब्लॉग था लेट नाइट सेलिब्रेशन का, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मतलब मेरे हस्बैंड ने कितना ज़्यादा अच्छा सरप्राइज दिया मुझे। दोनों जो सरप्राइज थे ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे गाइस। सीरियसली मुझे बिल्कुल कहीं से कहीं तक ना इत्तू से भी भनक नहीं थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यार ऐसा भी सरप्राइज देंगे ये। बहुत अच्छा लगा, और आपने देखा भी लास्ट में मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा ब्लॉग ऐसे कंटिन्यू नहीं करा। और हमने फिर ये सोचा कि हम बर्थडे का अलग ब्लॉग करेंगे। अभी नहा रहे हैं, मैं आपको टाइम बता देती हूँ। अभी 5 बजने वाला है और इन्होंने मुझे जस्ट अभी 10 मिनट पहले बताया कि तुम रेडी हो जाओ। लाइक सीरियसली, मतलब लड़कियों को तुम जाने से यार कम से कम तुम एक दिन पहले बता के रखो, ताकि यार हम लोग कपड़े को डिसाइड कर ले। और मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, हमारे पास कितने भी कपड़े हो जाए बट फिर भी हमें लगता है कि यार हमारे पास तो कुछ भी पहनने को नहीं है, क्या पहने क्या पहने। तो वैसे ही मुझे भी हो रहा था, मैं पहनने कुछ और वाली थी, मैंने सोचा कुछ और था बट इतना मज़ा नहीं आया। और एक और जो मैंने ड्रेस ऑर्डर करी थी वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। और बाकी यहाँ पे मेरे पास 2 ड्रेस हैं गाइस, मरून वाइन कलर का कुछ है ड्रेस है ये भी, और ये बॉडीकॉन ड्रेस है, ये शीन से है और ये मिंत्रा से है। और सीरियसली इसको तो मैंने अभी इसका टैग भी नहीं निकाला, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे 10K के, आपने देखा ही होगा जब मेरे 10K कंप्लीट हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पिछले साल गिफ्ट करी थी, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट करी थी। बट मैंने फिर दूसरी वाली पहन ली थी, 2 ड्रेस गिफ्ट करी थी तो मैंने दूसरी पहन ली थी, ये नहीं पहनी थी। और मैंने उसको अभी तक पहना भी नहीं है, बस एक बार ऐसे वीडियो में पहना तो उनसे पूछा कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उन्होंने ऑब्वियसली इसको बोला। तो हम सोच रहे हैं कि यार इसी को पहन ले। मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना आप लोगों के साथ अपना बर्थडे मेकअप लुक शेयर कर लूँ। मतलब मेकअप वीडियो शूट कर लेते हैं, देन मैं जब रेडी हो जाऊंगी उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। ओके खुद से बेचारी को आज बर्थडे है तो इतना स्पेशल फील कराना है इनको, इसीलिए इनके स्लीपर भी हम पहना रहे हैं इनको। वो हो नहीं पा रहा है ड्रेस की वजह से, तब तक आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है? हाँ अरे मुझे लगा कि हाँ ऐसे करो। हो गया, देखो ये देखो, ये देख रहे हैं आप? पहले इसको थर्ड वाले में लो। हो गया गाइस, आई एम रेडी। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ना ये वाला मेकअप लुक भी शूट किया है, होप कि आप लोगों को पसंद आए। और आपको कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। तो फ्रेंड्स भावना भी रेडी हो गई है। बाहर यार बारिश हो रही है तो हाँ इसीलिए बारिश, मैंने सोचा है कि यार भावना कह रही है कि कुछ फॉर्मल जैसा पहनो, बट मैंने कहा कि नहीं यार, अब जितना इजीली और जितना सही से हो जाए क्योंकि फटाफट से तैयार होके निकलो, क्योंकि बारिश 2 मिनट के लिए भी रुकेगी तो हम लोग निकलेंगे बाहर के लिए। हाँ। और पता है हम कब से रेडी हैं, और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि बारिश की वजह से हम जा भी नहीं पा रहे हैं। और यार ऐसा लग रहा है कि खाली इतना अच्छा तैयार हो रखी हूँ, और मेरे को बोला कि ऐसी ड्रेस पहन। ये कि भावना कह रही है कुछ अच्छा मैं पहनो, कह कुछ रही हूँ अच्छा कि यार पहनो, कुछ बट ब्लेजर यार वगैरह या फिर कुछ कोट वगैरह अभी पहन लो। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, इसलिए ब्लेजर ब्रो पहनने ये में पता कुछ है क्या, फायदा ये नहीं है। नहीं कह रहे, ये क्या कह रहा है कि मेरी शादी थोड़ी अरे नहीं, ये ये इतना शर्ट कीमती तोहफा दिया है तो यार पहनना तो बनता है अब ना। हर जगह ये पहन के। मतलब क्या आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं, आप मुझे बताना। ये तो अगर कोई नया कपड़ा मिल जाए इनके लिए, मैं कुछ नया ले आऊँ या खुद ही कुछ ले आए ना, तो जब तक वो फट नहीं जाता, रगड़ नहीं जाता, वो घर में पहनने वाला नहीं बन जाता, पोछा नहीं बन जाता, ये नहीं छोड़ता है इसमें बाद इतना में। नहीं होता है ना कि ये नहीं पहनना है उनको, तो जो मिल हाँ जाए यार, वो तो पहन के फिर चल देते मैं, हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर मैं बिल्कुल ऐसे बन के जा रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका खैर मेरा बर्थडे तो है बर्थडे है तो यार। इसीलिए आपको तो स्पेशल दिखना भी बनता है, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बेहद खूबसूरत, अति सुंदर।
तो फ्रेंड्स आज खाली उसके लिए तारीफ कर दे रहे हैं। नहीं वैसे यार, भी तब भी बोला मैं था देखो इन्होंने, मैं आपको ऐसा बता दूं। नहीं है, और भावना को आज फिर से एक कोई सरप्राइज मिलने वाला है स्पेशल, यार अब मत तो दे दो यार, देखते अब हैं तो ये कि हार्ट क्या अटैक है आने वो लगा। सर। और फ्रेंड्स जो लास्ट डे का हमारा ब्लॉग था वो लाइव हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने अभी बताया भी नहीं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, और और मैंने भावना इतनी सुबह बार से पूछ शॉक्ड लिया है है। कि क्योंकि एक तो इसका वैसे टेंशन में मूड है इसलिए है क्योंकि आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ हाँ पे, मेरे बर्थडे में और पता नहीं क्या ऊपर हो से हो गया क्या है, रहा है कि हम लोग जब भी प्लान कर रहे हैं बाहर निकलने का कहीं जाने का, तो और तेज बारिश हो बारिश हो जाती जा है रही है। और ये मुझे बता नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो यार कब सच में मुझे बताओगे खुद नहीं पता है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाके जो जहाँ ओपन मिलेगा, यार, जो अब तो जो ऐसा रेस्टोरेंट ओपन लगता मिलेगा वहां बैठ जाएंगे। क्या करें फिर, अभी यार जो प्लान किया था वो सब नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। तो चलो देखते हैं। अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, ये भी हो ही गए हैं आधे, इनका तो रेडी ऐसा ही तो है। आप एक्साइटेड हैं अपनी नेक्स्ट सरप्राइज के लिए? यार अब इतना सरप्राइज मत दे दो, मैं तो कह रही हूँ बाद में दे देना, बाद के लिए रख लो, अब मेरे से और वो नहीं होगा, अब मेरे बस की नहीं है। और अनाया को भी मैंने रेडी कर दिया, अनाया को मैंने इतना अच्छी ड्रेस पहनाई थी, पर उसको पता नहीं क्या हो गया, उसको सिर्फ फ्रॉक चाहिए। और हमने उसके लिए यार इतनी सारी डांगरी ड्रेस और इतने सारे मैंने उसके लिए प्लाजो, मतलब बहुत सारी चीजें ली थी यार मैंने बट हॉपस्कॉच से, उसको तो सिर्फ स्कर्ट फ्रॉक वगैरह पसंद है। उसको कुछ नहीं पसंद, उसको सिर्फ वो पसंद है फ्रॉक। और फिर से उसने फ्रॉक की जिद कर लिया, वो पहना दी है मैंने, अब आ नहीं रही है वो। तो अभी जब हम निकलेंगे ना, हम वहां पहुंचेंगे यार, तभी आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि बहुत बारिश आ रही है। और ठीक थोड़ी देर के है लिए बारिश बंद हो गई है, तो बस फटाफट से हम लोग निकलते हैं हाँ। और मिलते हैं आपसे। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बता देना। सो ये मेरी ड्रेस है जो कि शीन से थी, और ये इन्होंने मुझे पिछले साल दी थी हमारी एनिवर्सरी पे, बट इस साल काम आ गई। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं बहुत खूबसूरत लग रही लग हूँ। रहे हो यार, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये तो करेंगे तो खुद से ही कर ली मैंने। ठीक है तो अभी हम लोग निकलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके यार क्यों कर रहे हो, रहने दो यार, नहीं 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 अब देखो नहीं क्या हाल बना देने वाले हैं मेरे भी थोड़े दिन में। अपना तो खुद मेकअप कर दिया, मेरा भी देखो ये, मेकअप कभी नहीं गर्दन इधर कर, करो, कभी गर्दन उधर करो, कभी ऐसा करो, कभी वैसा अरे करो। मैं मेकअप नहीं कर रही, उन्होंने स्किन में कुछ लगा नहीं रखा है, तो मैं खाली मॉइस्चराइजर से हल्का अपना सा, ऐसा मेकअप करेगी कुछ देर बाद सलमान खान बन जाऊंगा। देखो ये देखो ठीक लेस है, का सेम कलर लग रहा हुआ, और जोड़ी भी देखो सुपर हिट। अरे वाह, देख लो ठीक है ना। अगर मुझे लगता है ना यार, मैं इतना लकी हूँ कि मेरे को इतनी प्यारी, इतनी सुंदर और इतनी टैलेंटेड बीवी कैसे मिली। बस मिल गई, किस्मत थी आपकी। हाँ ये कैफे की ना बुराइयां करने में लगी हैं, खा के भी सबसे ज्यादा आएंगी और उसके बाद बुराइयां भी करेंगी। और महिलाएं क्या होता है, मैं तो भी चाहिए थोड़ा महिला, मैं थोड़ा सा महिला हूं। नहीं, महिलाओं में ही आती है सोना, भी महिलाओं में ही आती है। महिला नहीं है आप, क्या हो हम तो बालक। कट कर लिया है और अभी भावना केक कटिंग करने दे रही है। भावना का सेकंड गिफ्ट, तो इसमें देखो क्या होता है। आइडिया है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या सस्ता है। ऐसे यार देखो गिफ्ट में भी सस्ता महंगा पूछ रहे हैं।
पड़ता है ना, ऐसे नहीं होता ना। चलो देखते हैं फिर। हमारी भाभी बहुत महंगी है गाइस, महंगे महंगे के लिए महंगे गिफ्ट चाहिए ना। केक वेक खा लिया है तो अभी हमने थोड़ा सा स्टार्टर में मंगाया है, अभी जब आएगा उससे पहले ही हम खाने का देखने लग गए। बर्थडे और भाभी हमको खिलाएगी कि क्या खिलाने वाली है, क्या खिलाने वाले हैं। आपको ही देना है ना? बिल तो मैंने देना है बट पसंद भावना की रहेगी। भाभी का मेन्यू है ना वो भी बहुत यूनिक टाइप है, अपना गिफ्ट खोलने वाली है। इसको सेकंड गिफ्ट मिल रहा है, थर्ड मतलब थर्ड सरप्राइज मिल रहा है इसको। वैसे गिफ्ट तो सेकंड है, भैया भूल गए देखो गाइस कि कौन सा सरप्राइज देना है। इतने सारे गिफ्ट और इतने सारे सरप्राइज दे दिए कि यार मैं खुद भूल गया। तो ये भावना खुलेगी और देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। थैंक यू। वैसे मुझे थोड़ा लग रहा है क्या 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 गैस करो। मुझे लगती है ना वो होती नहीं है। हाँ, तो कल मुझे मेरा तो क्या है, मैं तो दुकान का साबुन की टिक्की, विम बार, सर्फ कुछ भी पैक करके दे देता हूँ। उन्होंने किया है ऐसा, ये कर देते हैं। क्या होगा इसमें हम भी देखें गाइस, तुम भी देखो। अरे अरे भाई भाई की फोन देने वाला है क्योंकि हर बार कुछ सही रहती है मेरी कि मैं इसके बारे में तो एक फोन दे दूंगा। मैं लगा था कि कैमरा मतलब फोन होगा तो कल इन्होंने कैमरा दिया और फिर मुझे फोन का मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था तो इन्होंने ये फोन ही है ना। अभी देखो डब्बा है, हो सकता है डब्बे के अंदर जूना तो नहीं है। देख लो, ठीक है ब्लैक ब्लैक नहीं यार है पक्का। देख लो कहीं खिलौना तो नहीं है, फोन के रूप में खिलौना चला के देखो कहीं। अरे नहीं आप डिजर्व करते, आप डिजर्व करते हो यार। पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, खर्चा यार किसके लिए कर रहा हूं, इसी के लिए तो भावना के लिए तो कर रहा हूं। तुम ऐसे तो नहीं बोलते गाइस, अगर मैं इनसे कहूं ना 5 रुपए के गोलगप्पे खाने को तो गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे में ऐसी चीजें खिलाना चाहता हूं भावना को जो चीजें अच्छी हो और जिससे यू नो बहुत हेल्दी हो। बर्थडे में ताजमहल देना है। यस यस, बहुत अच्छे वाला बनवा देना। पर थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, मुझे शर्म आ गई। हमने अभी यहाँ पे मंगाया फ्रेंच फ्राइज और ये स्प्रिंग रोल और तो टूट पड़ूंगा। हमारा पिज्जा भी आ गया है और ये हक्का नूडल्स भी आ गए हैं। तो चलो मैं भी टूट पड़ता हूँ, वीडियो बनाते रह जाऊंगा। ये तो खाली देखे हैं। पिज्जा बहुत टेस्टी है, ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा सा अलग सा टेस्ट है, ऐसा आटा पिज्जा होता है ना, सेम हाल मेरा भी हो रहा है। देखो मखनी मंगाने वाले हैं और मटकी चिकन, मटकी चिकन में क्या होगा, मटकी चिकन चिकन मटका जैसा होगा यहाँ का फेमस। अच्छा दाल, रोटी 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 का दाल तो नहीं खाएंगे यार, घर में बहुत दाल भात खाई हमने। खाना बहुत टेस्टी था और कॉस्टली नहीं है इतना ज्यादा और हमने तो नई चीजें ट्राई करी तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और स्टार्टर भी टेस्टी था, नॉन वेज भी अच्छा है, वेज भी अच्छा है, वेज इतना नहीं पर नॉन वेज बहुत अच्छा है। तो फिर अब आप देख सकते हैं यही यही वो महान शख्स हैं जो वीडियो बना रहे थे। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इनकी इतनी मेहनत के लिए और इतने सरप्राइजेस के लिए। और ये जो लोकेशन है ना ये हल्द्वानी में हाट हट्टी सड़क में है और बहुत ही अच्छा है, मतलब खाना भी बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट अलग था और नेम भी वैरायटीज प्रेजेंटेशन सब कुछ बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा था। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आना और या अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके बाय।
बाय बाय।